आप देख रहे हैं आवाज जनता की। गया जिले के अतरी से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक बुलेरो गाड़ी में एक युवक की जली हुई लाश बरामद हुआ है। जैसे ही आसपास को लोगों की इसकी जानकारी मिली तो देखने के लिए भीड़ जुट गई। वहीं जला हुआ लाश बरामद होने के बाद आसपास के लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। गया के ASP मनीष कुमार ने ग्लोबल इंडिया TV न्यूज चैनल से बात करते हुए कहा कि दरअसल घटना गया जिले के अतरी थाना के तपस्वी नगर और मिचरोईगंज गांव के पास घटी है। बुलेरो गाड़ी भी पूरी तरह से जली हुई है। आशंका जताई जा रही है कि युवक की हत्या कर शव को गाड़ी में रख दिया गया था और उसके बाद गाड़ी में भी आग लगा दिया गया। घटना की जानकारी स्थानीय ग्रामीण अहल सुबह हुई। ग्रामीणों ने देखा कि एक बुलेरो वाहन पूरी तरह से जली हुई थी। जब ग्रामीण नजदीक आकर देखे तो उसमें पीछे सीट पर एक व्यक्ति की जला शव देखा, जो पूरी तरह से जल चुका था। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय अतरी थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की पड़ताल में जुट गई। वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल अस्पताल भेजा गया है। वहीं पुलिस बुलेरो वाहन मालिक की जांच कर रही है। हालांकि जली हुई व्यक्ति की पहचान हो गई है। मृतक व्यक्ति नवादा जिले के रोह थाना क्षेत्र का अयला गांव का रहने वाला सुबोध कुशवाहा के रूप में पहचान हुई है। बताया जाता है कि बुलेरो गाड़ी भी मृतक व्यक्ति के ही नाम पर है, खुद से बुलेरो को ड्राइव करता था। गया बिहार से सुरेश निखर की रिपोर्ट। सवा साल हो गया। उपेंद्र कुमार, क्या उपेंद्र कुशवाहा? कहाँ के रहने वाले हो? बिशनपुर का। शादी हुआ था। रहने वाला उपेंद्र कहाँ के हैं? बिशनपुर का। शादी कहाँ हुआ तुमका? सुंदरा। अच्छा, लड़की को छोड़ दिए थे? छोड़ दिया था। लड़की पागल है। लड़की पुलिस गया था, सब देखा था, पागल है। तो लड़की के परिवार वालों ने कहा था कि इसको बदला लेंगे। इन्हीं से बदला लेने के लिए बोला था, इसलिए हम नजदीकी पर जैसे ही भी इसका बाप भी ड्राइवर था, तो बोला था कि एक वो कुटुम है, तो कल की हमरे तो सलवा है। लड़की वाला भी कुटुम था, थी गाड़ी चलाता था, टेम्पो चलाता था सर। इसका बाप? हाँ, लड़की के बाप। बोला था कि हम बदला लेंगे, तो हम की जानने के लिए कल के 5 लाख रुपया दे दे, हम दूसरी जगह शादी कर दो, तोरा ही नहीं भेजबो, मैं बेटी पागल हो। तो अभी डेढ़ साल के बाद झमेलवा ₹5 लाख वो लिया, और था केस भी कर दिया था, तो केस उस मैनेज कर दिया। थाना वाला नहीं केस लेता था सर, कहता था कि नहीं लेंगे। खुद ही घर देखा था, देखा था कि लड़की पागल है, लड़की पागल है।